Ah oui. Salam alaikum. गुजराती आती है आप लोगों को? गुजरात में हालत ये है फिलहाल कि कैंडिडेट्स को अगवा किया जा रहा है, डराया जा रहा है। एक गुजराती के फोन कॉन्वर्सेशन आई है, मुझे तो गुजराती नहीं आती है, लेकिन जिन जिन को गुजराती आती है जरा गौर से सुने। हेलो जी तुमने हाँ जी जी बोलो बोलो जी तुमने बोल दिया है ये तुमने जैसे जरूरत ना बोलो ना वरना हम आते पहला पहला हमें बोल दे रहे हमें बोले तब बोले पहले बोलो बोलो आओ क्या था गम तू बोल रहा हूँ कितना जाता हाँ पर जिंदगी में ने पर ये हटना अभी लगा अच्छा वाला मान तो लगा हम दिया है अच्छा वाले जीवन में तो मुंबई ले जाएगा अने गुजरात में नदी दूर तुम्हारे पास जेम दरु है जेम मत दे हो ये मां अने नदी दूर कांग्रेस का जेब पता है नारी दूसरा के काम दे हुए ने फोन लगा अने बता लिस्ट मारी कहाँ है कि है जो हूँ जितनी दे दे तो तुम अपना क्या रिक्त है क्यों की हाँ मुझे दे नहीं तो दूसरा पता है कांग्रेस का काम दे हुए नारी दूर तुम्हारे ना काम दे हुए ये पता है लड़के का लिस्ट के बताई ना तुम्हें जितनी હું જીતી જઈને તો તમે તમારી ક્યારે ગ્રાહક વેજો પતાઈ ગયો બધા કેવું કીધું હા ગુજરાતી માં રજી ગઈ ને ગુજરાતી માં બીજું ટ્રસ્ટ હતો એકદમ રજી નો ઉપર લીધો હતો લાલ બુદ્ધિ બીજો અગિયાર ઉપર હતો અને પૂનમ બંને ઉપર હતો ફોન નતો લાગતો પછી લાલ બુદ્ધક બાકી લઈ ગયો ત્રણ પાંચ જેની પાસે ફોન નતો લાગતો તો ગાડી માટે કેટલી વાર લાગે પછી ગોવાણા એની વારી છે બીજો માટે ले गया के पूनम मैंने फोन लगे तो पूनम पूनम मैंने बात कर रहे थे पूनम मैंने डायल बोला उत्तर में बात करता था गुजर जनकी वजह से डायल बोल रही थी न्याय लेना हो गया मैं न्याय लेकिन तो ये तो बंद मेरी गोन मेरे को जान लगे जनकी भाई हम तो फिर मांगा जो ना थे जवान लालपुर जवान मुरलियां में करते थे જોવાનું ને હામત મૂવી લાવવાનું ટાઈમ ટીક લાગે મને ટિકિટ માટે તમને ફોન આવે હું મળવા જાઉં બરાબર પાંચ વાગે કદાચ મારો ફોન ટીકો થઈ જાય તો તમે તમારે જ્યાં જજો બરાબર એટલું એટલું બધું હોટેલમાં એટલું કઈ નીકળી ગયો તો પછી મારે ઉપર એટલે જોવાનું ये आवाज खैर मुझे भी तो मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन जिसने भी फॉरवर्ड किया है उसने बताया है कि अगर बीजेपी हार गई तो पटेलों की जिंदगी हराम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे वगैरह वगैरह है करके सुनाया। मुझे गुजराती नहीं आती, मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन गुजरातियों को तो गुजराती आती है। तो गुजराती ये लोगों का खौफ का जो जो पोजीशन है फिलहाल, इसके अंदर इतनी फट के हाथ को आना बोलते ना, अब फट के हाथ को आ रही है। और हिसाब किताब तो ये है कि आप डरा धमका के आप लोगों से अपना काम निकालना चाहते हैं, तो डरो मत, बिंदास अपना काम करो, वोट डालो और हराओ इनको। मैं मेरी तरफ से भाई मेरा कुछ तो काम जरा ढीला करो यार, सब मैं करते बैठूंगा तो क्या होगा। दीपक भाई कैसे हो? अरे यार इमरान प्रतापगढ़ी, जावेद भाई इमरान प्रतापगढ़ी का हाल फिलहाल ठीक है, ही इज लीडिंग, सो गुड न्यूज फॉर कांग्रेस। पुणे और सांगली भी बीजेपी पीछे जा रही है, तो इत्मीनान रखें। साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? जय भारत विनोद भाई, आवाज आ रही है भाई?
फर्स्ट क्लास आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही है भाई? आवाज आ रही है? बहरहाल ये वीडियो सुनाने के लिए आया था। फिलहाल का पोजीशन 27 थे पिछले, उसमें अब करीब 31 पे आगे चल रहे हैं। लेकिन गुजरात में सिर्फ 4 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो गुजरात वालों को मैं फिर कह रहा हूं, डरो मत, इनकी फोड़ने के लिए निकलो, डरो मत, इनकी फोड़ने के लिए निकलो, अच्छा है। जितना इनकी जो फटके हाथ को आ रही है ना, उसमें सुकून दिख रहा है। कई सारे गुजरात से कॉल्स आ रहे हैं और कई सारे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वालों का कॉल आ रहा है और बड़े जाम शाम से खुश होके बोल रहे हैं कि जब बीजेपी हार रही है तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो गुजरात में 4 सीटों पे आगे चल रहे हैं, बाकी सब पीछे 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 और पीछे, अच्छा है। गुजरात का पोजीशन फिलहाल बहुत अच्छा है, फिलहाल गुजरात का पोजीशन बहुत अच्छा है। तो ऑल इन ऑल इट्स गुड। बिहार में 1 सीट पे एक आगे चल रही है और गठबंधन आगे चल रहा है 1 सीट पे, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल रही है, कन्हैया कुमार की पार्टी वो आगे चल रही है, बाकी सब ऑल गुड। तो आज करंट सिचुएशन के हिसाब से थर्टी फोर सीटों पे आगे चल रहे हैं आउट ऑफ 117। होपफुली विल कंस्ट्रेन देम ऑन 34। बीपीपी का एक कैंडिडेट बीदर से बहुत जबरदस्त आगे चल रहा है, तो बीदर वालों को मैं कहूंगा मुबारक, आपके पास चेंज आ रहा है, सो दैट्स रियली गुड। मुरादाबाद भाई इमरान प्रतापगढ़ आगे चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल ऑल इन ऑल टीएमसी आगे चल रही है, सो वेस्ट बंगाल इज रियली गुड। रामपुर में गठबंधन आगे चल रहा है भाई, यूपी में गठबंधन आगे चल रहा है 1 सीट पे, कांग्रेस आगे चल रही है 1 सीट पे, बीजेपी आगे चल रही है। ओडिशा में अच्छी चीज ये है कि संबित पात्रा बहुत पीछे चल रहा है, ढकेलो इसको कॉर्नर में ढकेलो, अच्छा है। तो ओवरऑल 34 सीटों पे ही आगे चल रहे हैं 117 में से। बाकी MIM पीछे चल रही है, तो MIM वालों से मैं कहूंगा कि जो भी MIM को सपोर्ट कर रहे हैं बाहर जाएं भाई, निकले घरों से, निकले वोट वोट डालें, ठीक है। ओवैसी साहब खुददार आदमी हैं, तो वो जीतने के लिए ये नहीं बोलेंगे कि हमको जिता दो, वो जीते तो जीते और नहीं जीते तो नहीं जीते का हिसाब है। तो ओवैसी साहब बड़े खुददार आदमी हैं। संबित पात्रा बहुत पीछे चल रहा है शेख साहब, संबित पात्रा बहुत पीछे चल रहा है। उत्तर कनाडा में प्री प्रोग्राम्ड ईवीएम्स हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, फिलहाल बीजेपी वहां पे आगे चल रही है। भाई थैंक यू, लव यू टू। केरला में राहुल गांधी फिलहाल अब बराबर पे चल रहे हैं। राहुल गांधी भाई वायंड में राहुल गांधी फिलहाल आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं जहां पे बीजेपी आगे चल रही है, बाकी दूसरे आगे हैं। और ऑल इन ऑल गुड। चलिए एक और अपडेट लेके आऊंगा इंशाल्लाह लास्ट, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।
बहुत तेजी से ये भाग रहे हैं भाई, मेरे को देखे देखे तक चले जा रहे हैं ऊपर। खैर इंशाल्लाह फिर आता हूँ मैं 1-2 घंटे बाद लास्ट एंड फाइनल अपडेट लेके इंशाल्लाह। मेरा फेसबुक बार बार है ना रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं फेसबुक पे लाइव सही आ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब पे आना पड़ा आज। तो इंशाल्लाह फिर यहीं पे आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, दोस्त आर शेयरिंग द वीडियो जो दूसरे चैनल्स पे भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये नंबर्स पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा इनका डर ख़त्म होगा, तो आगे बढ़ें इंशाल्लाह, आगे सब खैर का मामला होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, सलाम अलैकुम।